शिवरी नारायण बाबा घाट में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बाबा घाट द्वारा भव्य दुर्गा महोत्सव किया गया। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले धार्मिक नगरी टेंपल सिटी शिवरी नारायण धर्म अध्यात्म की नगरी महानदी के पावन तट में स्थित बाबा घाट रंगमंच में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बाबा घाट महंत पारा शिवरी नारायण समिति द्वारा भव्य दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया, मनमोहक प्रतिमा स्थापित किया। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा से नगर पंचायत शिवरी नारायण के विभिन्न स्थानों में 13 जगहों में विराजित भव्य दुर्गा महोत्सव एवं जस गीत जागरण का आयोजन रखा गया। वहीं श्रद्धालुगण एवं भक्तजन को समिति के द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूजन अर्चन किया, विधि विधान से किया गया और सहस्त्रधारा कार्यक्रम किया गया और हुमन कार्यक्रम किया गया। सभी ने माता रानी के श्री चरणों में सुख शांति की और मंगल की कामनाएं की। नवरात्र के पावन पर्व में सभी ने पूरे तन मन धन से माता को मनाया। वहीं गौ सेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर राजेश श्री महंत राम सुंदर दास महाराज ने संबोधित करते हुए बताया कि माँ दुर्गा की श्री चरणों में जिस भाव के साथ आप जैसा जो अर्पण करेंगे, माता रानी से जो मांगेंगे वही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करके मन से आप माता रानी से मांगेंगे तो माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगी। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेला राम कश्यप की खास रिपोर्ट। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज अष्टमी का पावन दिवस है और हमारे नगर शिव धार्मिक नगरी में पूरे मंदिर देवालय पूरे अनेकों जगह चौक चौराहों में माता रानी माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का विराजमान कर विधि विधान से पूजा अर्चना किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु भक्त जो है अपने परिवार और घर परिवार अपने स्वयं की सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बाबा घाट रंगमंच शिवनैन जो कि महानदी चित्र पल्ला गंगा के तट पर स्थित है, यहाँ विगत 15 सालों से माता रानी की प्रतिमा सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति बाबा घाट के द्वारा स्थापित किया जाता है और यहाँ पूरे नगरवासी समेत पूरे वार्डवासी पूरे समिति के सभी लोग के सहयोग से यह माता रानी का दुर्गोत्सव का कार्यक्रम होता है। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से इस बार हालांकि थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन हमारे द्वारा हमने माता के दरबार में जस गीत जगराता, जस गीत गायन वादन भजन संध्या का आयोजन करा करके सभी श्रद्धालुओं के मन में धार्मिक आस्था हमने जगाने का काम किया है और इस काम को लेकर के पूरे शिवनगर नगर सहित पूरे हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं उन सभी का विशेष सहयोग हमें मिला है। इस वजह से हम यह शारदीय नवरात्रि पावन पर्व हम सम्पन्न करा पा रहे हैं और नगरवासी के साथ साथ देशवासी में भी अनेकों जगह दुर्गा उत्सव मनाया जाता है, आप उनके भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो यह जो माता रानी के पावन पर्व है पूरा भारतवर्ष का यह त्यौहार है और सब जगह अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। वही छत्तीसगढ़ में इसकी एक अनोखी परंपरा है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सभी ग्राम नगर शहरों में सभी जगह के श्रद्धालु जो अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। वहीं गाँव में जैसे देखा जाए तो गाँव में पूरे सब लोग एक जगह या दो जगह बैठाते हैं, वहीं हमारे शिवनारायण में 12 से 13 जगह बैठे। वहीं एक ऐसा भी श्रद्धालु भक्त है हमारे नगर शिवनारायण में जहाँ वो अपने घर में स्वयं प्रतिमा बना करके प्रतिमा विराजमान के हैं। तो ऐसी ये माता रानी की आस्था भक्ति जो है सबके दिल दिमाग पर मेरे मन पर छाया हुआ है और सभी माता रानी की अपनी स्वेच्छानुसार इतना वो सक रहे हैं जिस प्रकार से वो अपना सहयोग देकर के माता रानी के पर्व में अपनी मनोकामनाएं अर्पित कर